खबर जनपद कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बारा गांव के पास स्थित प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज की है, जहां बीटेक सेकेंड ईयर के हमीरपुर जिले के ककराव थाना क्षेत्र के गुजरा के रहने वाले छात्र पुष्पेंद्र का शव कॉलेज के हॉस्टल के कमरा नंबर 209 में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला। सहयोगी छात्र ने मामले की जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन उसको पहले एक निजी अस्पताल ले गए, उसके बाद उसको जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसको ब्रांड डेथ करते हुए स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से हॉस्टल के कमरे से साक्ष्य एकत्र किए और कार्रवाई तेजी से शुरू कर दी। घटना की जानकारी परिजनों को मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जनपद हमीरपुर से जनपद कानपुर देहात पहुंचे मृतक छात्र के परिजनों की माने तो छात्र पुष्पेंद्र जब घर से निकला था तो खुश था, किसी प्रकार के तनाव में नहीं था। उन्होंने कॉलेज प्रबंध द्वारा उसके घर से तनाव में आने की बात को सिरे से नकार दिया। वही कॉलेज प्रबंध की माने तो मृतक छात्र के सहयोगी छात्रों से पूछताछ में उसके घर से तनाव में आने की बात सामने आने का हवाला दिया है। वही कॉलेज प्रबंध ने छात्र के हॉस्टल कॉलेज हॉस्टल में नियमित रूप से न रहने की भी बात कही है। वही प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंध ने सहपाठी छात्र के रूप में जानकर आत्महत्या करने की बात कही। नेपाल की चेक किया, 10:28 पर सुबह एम आई एक्सेस ने एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद जब उसने एंट्री ली तो उसके काफ़ी दोस्त भी उसको रास्ते में मिले, जैसा कि उनके बच्चों ने बताया। तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट लग रहा था, मतलब जो भी दोस्तों ने उसके साथ हंसी मजाक करने की कोशिश करी तो उससे सबने को उसने ये कह के हटा दिया कि हम किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, आज हम बहुत परेशान हैं। इतना कहने के बाद वो सीधा हमारे हॉस्टल की तरफ गया। हॉस्टल में उसके मित्र रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर ना कि हम लोग किसी को रोकते नहीं है कि भाई किसी को फाइल बनानी है, कुछ भी बनानी है। तो वो अपने मित्र के रूम में चला गया। तो जब मित्र के रूम में गया तो मित्र ने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तो उसने कहा यार कुछ नहीं, थोड़ा हमें 2 मिनट आराम करना, उसके बाद हमें कॉलेज में जाके अपना प्रैक्टिकल देना है। तो उसने कहा ठीक है, तुम रूम में बैठो, मैं अभी फ्रेश होके बाथरूम से अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो जब उसका मित्र 10 मिनट बाद रूम में फ्रेश होके आया, उसने जब गेट नॉक किया तो गेट से कोई रिप्लाई नहीं आया अंदर से। उसने 5-7 मिनट जब देखा तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसको कुछ संशय हुआ। संशय हुआ तो उसने नीचे झुक के गेट के नीचे देखा, तो गेट के नीचे देखा तो उसके पैर लटके हुए उसको मिले, तो वो काफ़ी घबरा गया। वो तुरंत भाग के हम लोगों के पास आया पूरे मैनेजमेंट के पास कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई, एक लड़का के पैर लटकते हुए दिख रहे हैं, वो अभी 10 मिनट पहले बाहर से आया है। तो हम सब लोग पूरा मैनेजमेंट कॉलेज का स्कूल सभी लोग वहाँ भाग के गए। तो उस टाइम हम लोग को ये समझ में आया कि अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते तो ऐसा ना हो कि लेट हो जाए। तो हमें लगा प्रायोरिटी कि पहले बच्चे की जान बचाई जाए, तो हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से गेट को तोड़ा। गेट को तोड़ा तो बच्चा हैंग था, तो तुरंत उसको हम लोगों ने उतार के उसको नीचे किया, उसके सीने में पंपिंग की कि शायद इसकी अगर पल्स वापस आ जाए जान बची जाए। काफ़ी पंपिंग करने के बाद भी हमको भाई हम डॉक्टर तो है नहीं, जो हमें जितना समझाया है उतना हमने किया, उसके बाद भी हमको ऐसा लगा कि शायद इसकी पल्स है। तो तुरंत तत्काल प्रभाव से मैंने अपनी संस्था की 2 गाड़ियों को भेज के उसको तुरंत हमने राजाबाद हॉस्पिटल में रेफ़र कराया। जब राजाबाद हॉस्पिटल में रेफ़र कराया तो राजाबाद हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि यार केस थोड़ा हमें गंभीर लग रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा, आप उसको जिला अस्पताल ले जाइए। तो जब उसको फिर जिला अस्पताल लेके गए, जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बोला कि ये मेरा टूट चुका है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था? अच्छा, बीटेक की पढ़ाई कर रहा था। बीटेक कौन सा ईयर? सेकंड ईयर था। सेकंड ईयर मतलब पहले भी वो आता जाता रहा होगा ना स्कूल में? हाँ, तो पढ़ाई क्लास करने के लिए आता था। बच्चों से बात भाई कुछ क्या सामने आया? बच्चों से बात हुई तो उसका कहना बार बार ये था कि यार हमसे कोई बात ना करो और हम काफ़ी परेशान हैं और हम किसी से बात करना नहीं चाहते हैं। उसका कुछ पारिवारिक मैटर चल रहा था, उसके पिताजी भी मृत हो चुके हैं और अपने पारिवारिक कोई उसका कलेश चल रहा था परिवार से, तो उसको लेकर वो काफ़ी डिप्रेस्ड था, किसी से भी बात करना नहीं चाहता था। पेशेंट आया था पुष्पेंद्र कुमार, उसको वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के पोजिशन के साथ लेके आए थे, साथ में आए थे ऑफिसर भी थे। तो जब आया तो ब्रॉडगेट सब चेक किया, फांसी लगाई है और खुले में निशान भी उससे पकड़ा था के साथ, और दूसरों में ये पाए गए थे साथ में, तो बता दें शुरू रहता है उसने नहीं। क्या क्या नाम है? मेरा नाम नाखन है। कहाँ रहने वाले? गुजौरा हमीरपुर। क्या घटना घट गई विद्यालय में? ये मेरा भतीजा पढ़ने के लिए आया था आज सुबह, कह रहा था मेरा पेपर है और
सुबह 7 बजे घर से निकला है और यहाँ पे पता चला कि हमको भी 12 बजे के लगभग उसने फांसी लगा दी आत्महत्या कर ली। किस विद्यालय में पढ़ता था? प्रभात इंजीनियर कॉलेज अकबरपुर। विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कहना है जी कि बच्चा घरेलू कलह के चलते इसी घटना का अंजाम दिया है। ये अभी हम कुछ नहीं स्पष्ट कर सकते क्योंकि घर वाले से घर से कोई झगड़ा करके नहीं निकला है और अगर घर के झगड़ा करके निकला होता तो हमें कोई मतलब होती। ये प्रबंधन का कहना है ये प्रबंधक का कहना है तो ये गलत अभी मतलब दोषा क्योंकि वो तो पुलिस ने जो मतलब जांच की है और जब जांच होने के बाद ही उसको पोस्टमार्टम के बाद में रिपोर्ट में पता चलेगा कि क्या घटना क्या उसके साथ हुआ है कैसे कैसे उसने आत्महत्या की कैसे क्या किया। घर से निकला था क्या तनाव में था? नहीं कोई तनाव में नहीं था बहुत अच्छे से निकला है कोई दिक्कत नहीं थी घर से।